फैमिली वेलकम टू चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सो आज का वीडियो होने वाला है ओकेजन और पार्टी वेयर स्पेशल। मेरे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी कि आप जैसे कि पार्टी पूजा सावन आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ ऐसे आउटफिट दो जो कि हम पूजा और फेस्टिवल में पहन सकें। सो ऐसे ही आउटफिट चूज़ किए हैं मैंने मीशो से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक कोड दे दिए हैं, चेकआउट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब मज़ा आ गया था इसको ट्राई करने के बाद। सबसे पहले आप इसका कलर देख लो तो ब्यूटीफुल येलो कलर और एकदम ब्राइटेस्ट इवन येलो कलर। ये थोड़ा सा सी थ्रू हो सकता है, अगर आपने न्यूड अंडरगारमेंट पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल अगर आप इसके अंदर स्लिप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हो। वी नेकलाइन है और यहाँ पर ना बहुत सुंदर क्रोशिया की लेस लगी हुई है। यहाँ पर अम्ब्रेला कट में इसका स्लीव है और स्लीव के भी ऊपर दो बॉर्डर लगे हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से कुछ ए लाइन में ये कट में कुर्ती है, नीचे की तरफ भी आपको यही लेस वर्क मिलेगा। इसके साथ जो बॉटम आपको मिल रहा है फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड के साथ। पैंट जो है वो टेपर्ड फिट में है, बट बहुत ज़्यादा टेपर्ड नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हो एरिया कितना सही दे रखा है और तो आपके थाई एरिया भी टाइट नहीं होगा। नीचे की तरफ क्रोशिया की लेस है अगेन। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विशाली आप हमारे साथ मेकअप लुक्स शेयर करते रहा करो। सो आज मैंने ये रिवर्स लाइनर मेकअप लुक किया था। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए शेयर किया जाए। मैंने इसकी क्लिप रिकॉर्ड की है और वो मैं ऐड कर रही हूँ इसी वीडियो में। हेलो एवरीवन। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट्स। ये सबसे पहले मैं इनका प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अगर आपके ओपन पोर्स है और इस तरीके से थोड़ा बहुत टेक्सचर है आपके फेस पर तो आप इसको लगा लीजिए तो ना वो हल्का सा ब्लर आउट हो जाता है, तो आपका बेस काफ़ी फ्लॉलेस दिखता है। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैंने वहाँ वहाँ लगा लिया। बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, जस्ट रिक्वायर्ड एरियाज पे। और थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैंने हाइड्रा ग्लो इसका फाउंडेशन है वो ट्राई किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी जो एग्जैक्टली मेरा शेड होगा। यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्लैट टॉप। ये भी आपको पर्पल वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा और ब्लेंड अच्छे से हो गया था। ये देखो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। कवरेज बहुत अच्छी है इसकी और लाइट वेट है, आप आराम से वेयर कर सकते हो इसको, बिल्डेबल है। ये देखो मैंने कंप्लीट फेस कर लिया है। देन कम टू कंसीलर। कंसीलर भी मैंने बहुत कम जस्ट रिक्वायर्ड एरियाज पर लगाया जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए था, क्योंकि कंसीलर भी इनका काफ़ी अच्छा है और कवरेज बहुत अच्छी है। खाली कंसीलर से भी अपना जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना उसको कवर करके काम आराम से चला सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करने वाली हूँ काजल, और काफ़ी अच्छा काजल लगा मुझे क्योंकि मैं इसमें रिवर्स विंग करने वाली थी। सो मैंने नीचे अच्छे से पहले वाटर लाइन पर लगा लिया है, फिर मैंने आगे की तरफ उसको एक्सटेंड किया एंड पीछे की तरफ से हल्का सा एक्सटेंड किया। सो ये रिवर्स विंग लाइनर काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। सो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। सिंपल है और देखने में आपकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। नाउ आई एम ट्राइंग द लिक्विड लिपस्टिक, जिसका शेड भी काफ़ी अच्छा था। ये काफ़ी डिफरेंट शेड है, थोड़ा सा रस्टी कलर है। एंड लिक्विड ब्लश मैंने लगा लिया था थोड़ा सा। ये देखो मुझे ब्लश लगाना पर्सनली बहुत पसंद है। सो जहाँ जहाँ मैं रिक्वायर्ड एरिया है मेरे, जहाँ मुझे पसंद है ब्लश करना वहाँ मैंने लगा लिया है। एंड मुझे लग रहा था कि एक मस्कारे की ज़रूरत है। सो मैंने मस्कारा से इस लुक को कंप्लीट किया है। लुक एट दिस। मस्कारा लगाने के बाद आई लैशेज इतने बढ़िया लग रहे थे। और ये है कंप्लीट लुक। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो देखा आपने कमाल के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से पर्पल पे बहुत अमेजिंग सेल और डिस्काउंट चलते रहते हैं, और इन प्रोडक्ट्स पे भी आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा विद ग्रेट डील्स। सो ये था एक छोटा सा लुक। आगे भी मैं ट्राई करते रहूँगी। स्टे कनेक्टेड, आगे मेकअप लुक्स आते रहेंगे। ये रिवर्स लाइनर मेकअप लुक आज कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके नेक्स्ट लुक पर चलते हैं। वो है प्रिटी साड़ी लुक। वाइन कलर का स्वरोस्की स्टोन के साथ ये वाला साड़ी। स्वरोस्की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओरिजिनल और हाई क्वालिटी की तो नहीं है, बट जिस क्वालिटी के इसमें लगाए हुए हैं, जिस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। मतलब अगर जब आप किसी भी पार्टी में जाओगे ना, कोई भी लाइट आपके ऊपर पड़ेगी, ये बहुत सुपर्ब ब्लिंक करने वाली है। और इसमें आई थिंक और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सुंदर बॉर्डर है जो ऊपर की तरफ आता है, आपके नीचे की तरफ आता है। बॉटम पर ये ब्रॉड वाला बॉर्डर है एंड ऊपर आपके शोल्डर पर ये वाला बॉर्डर आता है। इसमें पूरे ये Swarovski स्टोन्स है सिल्वर कलर के जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं आपको पल्ले की साइड दिखा रही हूँ, ये देखो पल्ले की साइड। और इस साड़ी में आपको अनस्टिच ब्लाउज पीस मिलता है। सो ये पूरी साड़ी है जिसपे ये पूरा वर्क मिलेगा। पहना हुआ आप देखेंगे बहुत अच्छे से हक कर रहा था बॉडी को। एंड ये वाला आपको ब्लाउज पीस मिलेगा टफेटा सिल्क में, और यहाँ पर भी बॉर्डर के लिए, स्लीव्स के लिए बॉर्डर दिया हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड साड़ी जो बहुत अच्छे से ड्रेप हो रही थी, ईजिली मुश्किल नहीं आ रही थी। और इसके फैब्रिक में ना अलग से एक शाइन है जो और भी ज़्यादा प्रिटी पार्टी वेयर बनाती है इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट आउटफिट। ये वाला आउटफिट देखने में बहुत सुंदर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें एक अनारकली एंड दुपट्टे का सेट है, बट ये वाला मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका स्टिचिंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये देखो आगे स्क्वायर नेकलाइन है, प्लस आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर ना स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दी हुई है, फिनिशिंग नहीं है। एंड इसकी बैक साइड पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ना लुक एट द स्टिचिंग, सब तरफ से धागे आ रहे हैं और फैब्रिक मुड़ा हुआ है, जस्ट उस पर ही सिलाई कर दी गई है, पीछे एक डोरी दी हुई है। मतलब इसकी क्वालिटी भी स्लब कॉटन में भी बहुत डाउन क्वालिटी है। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू। सो ये वाली अनारकली आप स्किप कर सकते हो। ये दुपट्टा भी पॉलिएस्टर फैब्रिक है, थोड़ा अजीब टाइप का, और इसका लेंथ वगैरह भी बिल्कुल बेकार है। सो इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। चलो जी, देखिए जो ख़राब सेलर्स हैं, जो चीटिंग कर रहे हैं, उनको भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। सो नॉट रेकमेंडेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट कुर्ती बहुत सुंदर लगी मुझे। मैंने इसको गोल्डन कलर के पैंट के साथ डाला था। आप गोल्डन बेज या फिर ब्लैक कलर के पैंट के साथ भी इसको कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा साइज इसमें लार्ज है। ये देखो ये पूरी आपको रबर प्रिंट में लगी कुर्ती, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा रिच लगती है। एज एन प्राइस के अकॉर्डिंग कुर्ती अच्छी है, डेली वेयर में आप पहन सकते हो। साइड पर स्लिट में आपको पूरा ये बॉर्डर मिलता है, फ्रंट और बैक। इसका बैक भी फुल्ली प्रिंटेड है, ये देखो ब्लैक कलर में। इसमें और कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। साइड पर ट्राई ऑन आपने देख लिया है। ये जो मैंने पहना हुआ है, बहुत सारे लोग पूछेंगे वैशाली प्लीज़ इसके बारे में डिटेल शेयर करो। इसका वीडियो लाइव हो चुका होगा, सो मैं इसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नहीं हुआ होगा तो आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब का बटन सिर्फ रेड नहीं छोड़ना है और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो मैंने हुप्स पहने हुए हैं, आई थिंक इसका वीडियो भी आने वाला है, सो स्टेज पक्की। मूविंग टू द नेक्स्ट लुक। वाइन कलर की मैंने आपको साड़ी दिखाई थी। वाइन कलर में ना मुझे एक कुर्ती दिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ। ये देखो कितना सुंदर कटवर्क और मोती का काम किया हुआ है। राउंड नेकलाइन, हल्का सा वी का कटआउट है। यहाँ पर सेल्फ में भी सेम थ्रेड के साथ सीक्वेंस पे वर्क किया हुआ है, मतलब हल्के हल्के सीक्वेंस भी लगे हुए हैं। इसके सेल्फ पर आप देखोगे ना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वर्क है। मतलब एज इन प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने आई थिंक एक कलर और है जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो 100% रिकमेंडेड। ये सेलर काफ़ी अच्छे हैं और इसके अंदर आपको कॉटन की लाइनिंग मिलती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब ऊपर तो आपको फैब्रिक बहुत अच्छा मिल ही रहा है, प्लस अंदर आपको कॉटन की लाइनिंग भी प्रोवाइड की गई है। इसके साथ कोई सिंपल दुपट्टा ले लो या फिर कॉन्ट्रास्ट में कोई दुपट्टा ले सकते हो, डीप ग्रीन ले सकते हो, गोल्डन ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जाएगा इसके साथ। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट और फाइनल शो स्टॉपर, जिसको मैंने दो तरीके से स्टाइल किया है, दोनों ही स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इसका जो मेन स्टाइल, आई मीन जो इन तीनों के साथ मिला के है, दुपट्टा, बॉटम एंड कुर्ती का सेट। ये ब्रांड भी आई थिंक आपको दूसरी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा जहाँ तक मेरे को याद है। यस, द ब्रांड नेम इज़ कॉल्ड वाबा। ये देखो, ये देखो। सो इस ब्रांड के सूट्स आप दूसरी वेबसाइट पर भी देख सकते हो, बट मीशो पर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, जस्ट लूट लो वाले प्राइस में। राउंड नेकलाइन है और पूरा ही ये सिल्क मटेरियल है और ये जो वर्क देख रहे हो बनारसी वर्क है, यानी कि ये जो बूटे हैं ये पूरे वूवन में है एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग मिल रही है। थोड़ा सा सिंथेटिक मटेरियल है, प्रॉपर कॉटन मटेरियल नहीं है, बट पूरी कुर्ती में लाइनिंग है, स्ट्रेट कुर्ती है एंड इसके अंदर ये देखो लाइनिंग। और ये जो गोल्डन वाला पार्ट है ये पूरा वूवन है फैब्रिक। सो कुर्ती कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत रिच लग रही थी, पार्टी फंक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ जो पैंट है वो सेमी इलास्टिक बैंड में है और स्ट्रेट काइंड ऑफ पैंट है, मतलब इसका ना जो नीचे से नैरो हो रखा है ना बॉटम, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, वैसे फिट जो है वो टेपर्ड ही है। इसके साथ जो दुपट्टा मिल रहा है वो बहुत सुंदर शिफॉन का दुपट्टा मिल रहा है विद पर्ल वर्क, जो कि स्टिच्ड हैं पूरे दुपट्टे पर और आसपास चारों तरफ गोटा की लेस दी हुई है। एज इन दुपट्टा बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेंथ एंड विड्थ इसकी परफेक्ट है, पहना हुआ तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। गोल्डन ज्वेलरी के साथ इसको पेयर अप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट लुक की बात करते हैं, मतलब इसी में मैंने ऐड ऑन किया है ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा। ये भी मैंने मीशो से मंगवाया है, हालांकि मैंने ऐसा सेम दुपट्टा अमेज़ॉन से भी मंगवाया था, वो इससे आई थिंक डबल प्राइस में मुझे मिला था, बट ये मुझे बहुत अच्छा दुपट्टा मिला है फुल लेंथ और विड्थ के साथ। मतलब लेंथ ना एक्स्ट्रा ही होगी, कम नहीं होगी, 2.5 से एक्स्ट्रा ही है इसकी लेंथ। कट वर्क में एम्ब्रॉयडर्ड कॉपर जरी के साथ पूरा एम्बेलिश्ड वर्क है एंड सेंटर पे इसके पूरा लाइक मधुबनी आर्ट होता है ना, काइंड ऑफ मधुबनी आर्ट, जिसमें बहुत सारे गांव के मतलब लोग और बहुत सारे एनिमल्स, घर, पेड़, बहुत सारे ना एकदम ट्रेडिशनल प्रिंट मिलेगा। उसमें भी आपको बीच बीच में ये फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी मिलेगी विद एम्बेलिश्ड पर्ल। सो ये दुपट्टा इज़ टोटली विनिंग द शो। सो इसको आप ले सकते हो, उसको बहुत सारे कलर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करके भी पहन सकते हो। इसमें आई थिंक और कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो भी आप ले ट्राई करना, बट मैं बोलूँगी कि डीप कलर्स पे ये ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो इस दुपट्टे को एक बार ट्राई ज़रूर करना। यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे चिपक के, बाय।